नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। एसपी अर्पणा गुप्ता जीआरपी मुरादाबाद ने सहारनपुर जीआरपी थाने पर पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने मुरादाबाद से सहारनपुर पहुंचकर थाने पर तैनात कर्मचारियों के साथ बैठक की और थाने का रिकॉर्ड भी चेक किया। एसपी जीआरपी अर्पणा गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा थाने के रजिस्टर और अन्य दस्तावेज चेक किए गए, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हर समय अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। मैडम आज ये यहाँ ने क्या काम? आज थाना जीआरपी सहारनपुर का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, इसी के लिए मैं आज यहाँ थाने पर आई थी। तो क्या मिला मैम? वार्षिक निरीक्षण में सब चीज़ें अच्छी देखी गई हैं। जो पेंडिंग क्राइम्स थे उनका भी निस्तारण किया गया है और करंट साल में ज़्यादा क्राइम नहीं है। फिर भी मेरे द्वारा थानाध्यक्ष को यहाँ पे निर्देशित किया गया है कि वो क्राइम पर अंकुश लगाएंगी, जो हमारे पिकेट्स हैं उनको और मजबूत करेंगी। सीओ भी मौजूद थे, उनको भी मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। और कोरोना गाइडलाइन का मैम क्या पालन किया जा रहा है यहाँ पर? कोरोना गाइडलाइन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कोरोना हेल्प डेस्क चालू कर रखी है, वो हमने जीआरपी के हर थाने में चालू की हुई है। इसके अलावा जो 45 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको हम फ्रंटलाइन ड्यूटीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि ना लगाया जाए। जितने भी लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। सहारनपुर में भी बूस्टर डोज काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगवाई जा चुकी है जो कि इसके लिए क्वालिफाई कर रहे थे, और बाकियों को भी जल्द लगवाई जाएगी। जैसे मैडम ट्रेन में कुछ यात्री इसका कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल भीड़ बकरी की तरह बिल्कुल भीड़ लगी जा रही है ट्रेन के अंदर, तो इस बारे में जीआरपी का क्या रोल रहेगा? ये देखिए, बेसिकली रेलवे विभाग से संबंधित मुद्दा है क्योंकि टिकट्स वही देते हैं, और पहले जैसे उन्होंने कोरोना काल में 50% एफिशिएंसी के साथ 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ट्रेन चलाई थी। हो सकता है कि रेलवे विभाग इस बारे में कोई ना कोई डिसीजन ले। बाकी जितना भी जीआरपी स्टाफ अंदर होता है वो समय समय पर लोगों को ये गाइड करता है और उनको प्रेरित करता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखे। बाकी इट इज़ मेनली द इशू ऑफ द टिकट्स। 50% ऑक्यूपेंसी में पहले ट्रेन चल रही थी, लेकिन इसके बारे में अंतिम निर्णय रेलवे को भी देना। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।